दोस्तों, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूं, और एक ऐसी ट्रिक के साथ मैं आपको अलंकार पढ़ाने जा रहा हूं। और ये मेरा दावा है और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं आपको इसको बताऊंगा, मुझे लगता है आपको 100% समझ में आएगा। और एक ऐसी ट्रिक है कि यदि आपने लास्ट तक देखा तो 100% मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े आराम से, कि कोई भी लाइन आ जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो एक मिनट में आंख बंद करके आप उस अलंकार को बता सकते हो। ठीक है, तो क्या ट्रिक है वो, लेकिन इसके लिए बात वही है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, अंत तक देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलंकार होता क्या है, है? इंग्लिश में जिसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में अलंकार कहते हैं, और ये अलंकार क्या होते हैं। अलंकार देखिए, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, यदि हम इनका किसी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उसकी सुंदरता और रोचकता बढ़ जाती है। हाँ, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये किसी भी लैंग्वेज को, फिगर्स ऑफ स्पीच ब्यूटीफाइज एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को ये ब्यूटीफाई करते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, इंक्रीज इट्स ब्यूटीफुलनेस। ओके, तो क्या होता है, मुख्यतः जो होता है, जो 12th लेवल होता है, हाँ, वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन 12th लेवल में फिगर्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में भी, हाँ, तो और अदर बोर्ड्स जो हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें भी पढ़ाए जाते हैं। तो मैं लगभग उन्हीं को 11th और 12th को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूँ किस तरह से इसका एक फॉर्मूला बनाया हमने। हाँ, एक वर्ड होता है शैम्पू, हाँ, सब यूज करते हैं उसका। अरे भाई, शैम्पू का यूज करते हैं ना सभी, हाँ, शैम्पू सिर में लगाते हैं शैम्पू, हाँ। अब एक बताइए, कोई चीज़ डेली यूज में आ रही है और उसके यूज से हमें हमें कुछ पढ़ने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, तो उससे बढ़िया क्या है, हाँ? अब देखो, देखते हैं, SHAMPOO, शैम्पू, हाँ? सभी जानते हैं आप शैम्पू। अब ये एस किसको स्टैंड कर रहा है, एस स्टैंड्स फॉर सिमली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, हाँ। एच स्टैंड्स फॉर हाइपरबोल, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार, डिटेल में बाद में बताऊंगा इनको किस तरह से होता है। फिर एपोस्ट्रॉफी, ए डिनोट्स एपोस्ट्रॉफी एंड एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफी संबोधन और एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। एम से होता है मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं, और पी से होता है पर्सोनिफिकेशन, है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ओ से ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार, एंड नेक्स्ट ओ ओनोमेटोपोइया, मींस ध्वनि अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। तो ये इस ट्रिक के अनुसार आप यदि सैम्पो याद कर लेते हैं तो अलंकार का नाम नहीं भूलेंगे, मेरी दावा है बिल्कुल। तो अब इसकी डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में जैसा कि मैंने पीछे भी लिखा हुआ था, दोबारा लिखता हूं कि शैम्पू, शैम्पू, हाँ, ये लिख दिया हमने। तो एस स्टैंड्स फॉर सिमली, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है कि जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड वन थिंग एट लीस्ट कॉमन इन देम, उनमें एक चीज कॉमन होती है। और जो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम उपमा करते हैं, जिससे तुलना होती है, वो कौन से होते हैं, एज एज, सो एज, लाइक। यदि किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार का कोई वर्ड आ रहा है, इट मीन्स दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू सिमली, हाँ, उसमें कौन सा अलंकार है, सिमली है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है, हाँ? सपने और जीवन की, दोनों की आपस में तुलना हो गई और ये वर्ड आ गया लाइक। अच्छा, इसी में अब देखिए एस, अब हमने यहां पर एम ले लिया, एम ले लिया तो एम से मेटाफर, मेटाफर रूपक, और रूपक क्या होता है, इट इज एन इम्प्लाइड सिमली, अर्थात सिमली का एक गुप्त रूप होता है। सीधी सी बात है कि सिमली में तो कंपेरिजाइंग वर्ड्स दिए होते हैं, लेकिन मेटाफर में नहीं, बात वही होती है, तुलना भी होती है, लेकिन केवल वर्ड्स दिए नहीं होते हैं। और मैंने उसी एग्जाम्पल को लिखा है, यहाँ लाइफ इज लाइक ए ड्रीम लिखा था, लेकिन यहाँ पर लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, या कैमल इज द शेप ऑफ डेजर्ट, हाँ, ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। और यदि इसको मैं लिखता है इसमें सिमली में, तो इसको लिखता था कैमल इज लाइक द शेप ऑफ डेजर्ट, तो दोनों तरीके से होता है। तीसरी बात आती है, जो तीसरा लिखा है हमने, जो पी से बनता है, क्या है,
पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर थॉट ऑफ एज लाइव बीइंग। जो निर्जीव जो चीजें होती हैं, जो केवल भाव वाली होती हैं, उनको एक सजीव रूप दे दिया जाता है, उसी को तो हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस मीन्स, एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव। अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। अब जो टीचर होता है उसके तो हाथ पैर होते हैं, अनुभव के हाथ पैर हैं नहीं, है ना? इस वजह से क्या कर दिया इसका, अनुभव का मानवीकरण कर दिया। समझ में आ रही है ना बात? नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी, संबोधन, किसी को संबोधित करना है। और वो संबोधित कौन होते हैं? डेड पर्सन होते हैं या पर्सोनिफाइड आइडियाज होते हैं, इन जो हमारे सामने ही नहीं है उसको हम संबोधित कर रहे हैं, जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। और इसमें इस तरह के देखिए, ये जो सिंबल हैं, आंख बंद करके आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी क्या होता है? संबोधन, जो हमारे सामने ही नहीं है उसको हम संबोधित कर रहे हैं, लाइफलेस है, ठीक है। अब फिफ्थ की बारी आती है। एक सिंगल ए से बता दिया मैंने, कौन सा बताया था पहले? एपोस्ट्रोफी। अब दूसरे से, उसी से बनता है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें किसी वर्ण की, वर्ण बोले तो अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार कोई शब्द एक ही अक्षर से शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम अनुप्रास अलंकार। हाँ, अब एग्जाम्पल हमने दिया, द बॉय बॉट ए ब्लू बॉल। हाँ, बॉय, बी देखिए, बॉट ब्लू बॉल, तो एक ही लेटर बार बार आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, ये एलिटरेशन है, अनुप्रास अलंकार हुआ। नेक्स्ट वन है हाइपरबोल। हाइपरबोल किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके या बहुत कम, या तो बढ़ा चढ़ा देना या बहुत कम, जैसे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। थिंग्स आर प्रेजेंटेड मोर और लेस देन दे एक्चुअली आर, जो वास्तव में होती हैं उनसे या तो कम या ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड बिगेन टू फ्लो इन बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। खून की नदियां कैसे बहने? कहीं से कोई बारिश हो रही थी खून की? नहीं, बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया खुश हो गई। अरे ये कोई बात है क्या? है बढ़ा चढ़ा करके बोल देना। तीसरी बात होती है, सॉरी सेवेंथ नंबर आता है, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो बातें कॉन्ट्रेरी हों और एक ही सेंटेंस में हो, वहां बोला जाता है ऑक्सीमोरन। टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ ए थिंग आर पुट टूगेदर। एक व्यक्ति या वस्तु की दो अपोजिट क्वालिटी रखी जाती हैं, जैसे कि ही इज द वाइजेस्ट फूल, ही इज द वाइजेस्ट फूल। कितना देखिए, दोनों में वो है, बिल्कुल विरोधी हैं और केवल एक जगह रख दिया गया है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, दोनों अपोजिट हैं, उसी सेंटेंस में रखा गया है। और नेक्स्ट वन ऑनोमेटोपोइया, जिसको कहते हैं हम ध्वनि सूचक अलंकार। है साउंड ऑफ वर्ड्स सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। आवाज को सुनकर के पता लगा देना, जैसे कि द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। द स्नेक हिसेस, सांप फुफकार मारता है। तो उससे क्या होता है कि ध्वनि सूचक अलंकार के बारे में उससे पता चलता है। अब मैं आपको किस तरह से इनको एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से इनको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी बताने जा रहा हूँ, और उसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो देखो, एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, सबसे उसी के अनुसार आप इसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। बड़ी आसान, बहुत ही आसान ट्रिक है, जिस तरह से मैंने इसको ये याद करने वाली आपको ट्रिक बताई ना शैम्पू, ऐसे ही उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उनको पिकअप कैसे करते हैं, कोई सेंटेंस दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे उनको, एक बहुत ही आसान ट्रिक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबको पता है, पीएम जानते हो आप? पीएम, प्रधानमंत्री के लिए पीएम बोलते हैं, और कई बार चर्चा होती है ऐसा पीएम वैसा पीएम, है हमारा पीएम ऐसा, आजकल बहुत चर्चा चल रही है। तो एक सीधा सा वो है कि उसके लिए लिख देंगे हम, ASOH, SOPM, क्या बोल दिया हमने, SOPM। अब देखो इससे हमारा क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच निकल करके आएंगे। सबसे पहले हम A से कौन सा ढूंढेंगे, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कोई भी सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले हमें एपोस्ट्रोफी की तरफ जाना चाहिए। और एपोस्ट्रोफी में सीधी सी बात है, मैंने आपको ये चिन्ह बताए हैं, ये चिन्ह बताए हैं, ये आने पर सीधा एपोस्ट्रोफी होता है। दूसरा क्या है, सिमली, सिमली भी तो बताया। और सिमली की सीधी पहचान बताई थी कि जहाँ
लाइक दे रखा हो, एज दे रखा हो, सो एज दे रखा हो, हाँ, तो वहां क्या होता है, वहां सिमिली होती है, हाँ? देखते रहना, इसमें ए देख लिया हमने, एस देख लिया, ओ से क्या होता है, ओ से ऑक्सीमोरन, और ऑक्सीमोरन क्या बताया कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु में दो विरोधी बातें, दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एक साथ हो जाएं तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है, जैसे कि बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, ठीक है। उसके बाद में एच क्या है, हाइपरबोल, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जब अतिशयोक्ति बोल दी हमने किसी बात को, जैसे कि मैंने पीछे भी एक एग्जांपल दिया था कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बात को बढ़ा चढ़ा दिया, हाँ, तो ये हमने चार अलंकार इसमें ढूंढ लिए। फिर आता है हमारा पी से पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाँ, उसमें हमें साफ देखना है कि कोई मूर्त रूप तो नहीं दिया जा रहा है, हाँ, मानवीकरण हो रहा है, साफ हमें पता चल जाता है कोई ऐसे आइडियाज हैं जिनको हम सजीव रूप दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या है, देखिए पीएम, पी से और मैं से, एम से क्या बना, मेटाफर, क्या बना, मेटाफर, और मेटाफर में क्या होता है, बिल्कुल सिमली की तरह होता है, लेकिन ये वर्ड जो होते हैं ये नहीं दिए होते हैं, तो ये मेटाफर होता है। अब हमने वो बताए थे आठ, और कौन कौन से बचे, एक तो बचा ऑनोमेटोपोइया, तो उसकी तो शुरू में ही हमने बता दिया, उससे ध्वनि से पता चल जाता है, और एक बचा एलिट्रेशन, हाँ, एपोस्ट्रोफी के साथ चलता है, और एलिट्रेशन वो भी बड़ा आसान है, जब कोई वर्ड शुरू होता है तो उसका पहला लेटर, हाँ, हर वर्ड का यदि पहला लेटर एक जैसी आवाज दे, एक जैसी ध्वनि दे, तो वो कैसा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, हाँ, और यदि आपको समझ में आई हो, अच्छा लगे, हाँ, तो वीडियो को इसको शेयर भी करना, और अदर्स जो आपके साथी हैं उनसे कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।